अति दक्षताए प्रियतमा गने बंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाए श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे जय अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतमा रूप बंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जर प्रसादे अन्न गति नहीं त्रिसंध कीर्तिर तब ध्यानी भाई बंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसादे गुरुदेवाष्टक अति जतन करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े वो चकरी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय कृष्ण हित चतुर्मुख अन कृष्ण से भनुख ब्रह्म हित नार देर माति नारद हिते दास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मा ना भगति निहारी माधव अचभ परमा ऋषवली अंगीकार करे अचभे रचित जय कीर्तनाम परिचय शारदासे ज्ञान सिंधु धारे सहित दयानिधि शारदास विद्यानिधि राजेन्द्र अतार किंकर जय धर्म नामी परिचय परंपरा जान भाल माते जय धर्म दासे छाते त्रिपुरुषोत्तम जते ताहि से ब्रह्मन्न तीर्थ सोरे व्यास तीर्थ कार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहिते माधव इंद्र पोरी माधवेन्द्र पोरी वरकृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत वेद ईश्वर पुरी के धन कर लेन चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नारायण रूपांग जने राजीवान विश्वमर प्रियंकर विश्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा वर तार पद विश्वनाथ विश्वनाथ भक्त सास बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभगवत वर श्री गौरति वर वर हरिभजन के जा रहा
सब वैष्णव लोग को प्रणाम कर रहे हैं। कभी ये कौन है, कभी ये पहले उन्होंने वैष्णव चरण में अपराध किया है। आप श्रीवास पंडित का नाम सुने ना? हाँ, श्रीवास पंडित ये चार भाई थे गांव में और रात भर कीर्तन करते थे, हैं? और इनके घर में चैतन्य महाप्रभु रात भर एकादशी का दिन रात भर इनके घर में कीर्तन किया करते थे। एक बड़े दुष्ट व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल चापाल, है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होने पर ही दैत्य जैसे, राक्षस जैसे, वो संतों को देख नहीं सकता था, हैं? इसलिए उसने क्या किया, इनका नाम पर बदनाम करवा दिया। बोले ये आप लोगों को लगता है ये सब भजन करते हैं, चार भाई चार बहू बच्चे,
ये भजन भजन कुछ नहीं करते, ढोंग रचाते हैं। उन्होंने क्या किया, रात में उनको घर को सामने शराब का बोतल, मांस और एक जवा फूल होता है जिसमें माँ देवी की पूजा कराते हैं, उन्होंने ला करके उनको घर को सामने रख दिया। रख करके जब सवेरे हो गया, लोगों को बुलाया, बोले देखो आप लोग बोलते हो ना रात में ये कीर्तन कर, कीर्तन नहीं, ये स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं और उनके साथ में भोग करते हैं और आपको लगता है ये सब भजन करते हैं। उनका नाम पर बड़े बदनाम कर दिया। भगवान कहते हैं हर चीज़ को मैं सहन कर सकता हूँ, कहते हर चीज़ को मैं सहन कर सकता हूँ, अगर मेरे भक्तों का कोई बुराई करे ना, है मेरे भक्तों को कोई बदनामी करे, भगवान कहते ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। कहते अगर ये मेरा हाथ अगर कभी वैष्णव का विरोध में अपना हाथ भी जाएगा ना, मैं भगवान कहते मैं अपना हाथ कभी काट दूंगा, मैं कभी संतों का बुराई कभी सहन नहीं कर सकता हूँ, सब चीज़ को मैं सहन कर सकता हूँ। हैं जब उन्होंने संतों की बदनाम की, उसको हो गया क्या, उसको कूट कूट हो गया, सारा शरीर में उसको कूट व्याधि हो गया, गला गल गई, नाक गल गई, हैं बड़ा कष्ट उठा रहा था, बड़ा कष्ट उठा रहा था, इतने कष्ट उसने उठाया जो कि सहन नहीं कर सकते हो। उसने रो रो करके श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गया, बोले प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को बचाओ, मैंने संतों का नाम पर मैंने बदनाम करवाया बिना कारण से, इसलिए मेरे ये अवस्था हुआ, मेरे को रक्षा कैसे होगा। भगवान ने कहा देखो अगर कांटा अगर पैर में चुभ जाए ना वो सर में नहीं निकलता है, जिधर कांटा चुकेगा उधर ही निकलेगा। तुमने मेरे चरण में थोड़ी अपराध किया, तुमने किया मेरे भक्तों को चरण में तुमने बुराई किया, उनकी बदनामी किया है, इसलिए वहीं पर निकलेगा हैं, इसलिए जाओ, क्योंकि जो संत हैं साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तुम, संत मेरे हृदय हैं और मैं संतों का हृदय में रहता हूँ, इसलिए मैं कभी संतों का बुराई कभी सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ उनको चरण में माफ़ी मांगो। फिर उन्होंने आए, फिर उनको चरण में माफ़ी मांगे, फिर उन्होंने जब दया किया, जब किसी साधु को चरण में तुम्हारी अपराध हो जाए हैं क्या करनी चाहिए, उनकी चरण में जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए हैं। बोले क्या ज़रूरत माफ़ी मांगने का, मन मन में हो जाएगा, बोले नहीं, जब तक जिनकी चरण में तुमने अपराध की, जब तक सचमुच से उनका हृदय, तुमने जो अपराध किया है उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, भगवान तक भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भजन भले ही भजन कम हो लेकिन संतों की कभी बदनाम कभी मत किया करो बिना कारण से हैं। इसलिए अभी जब उनकी चरण में माफ़ी मांगे, मेरे अपराध हो गया माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, फिर उन्होंने तो माफ़ किया, फिर महाप्रभु बताए बोले देखो जिस मुंह से हम जहर खा लेते हैं, अगर किसी मुंह से हम जहर खा लेते हैं या फिर क्या करना पड़ेगा, उसी मुंह से तुमको अमृत पीना पड़ेगा हैं। अमृत पियोगे तो फिर जा करके तुम्हारी जहर खत्म होगा, इसलिए तुमने वैष्णव चरण में अपराध किया, अभी तुम वैष्णव का गुणगान करो, अभी संतों का गुणगान करो, अगर गुणगान करोगे ना संतों की फिर तुम्हारी अपराध सारे नष्ट हो जाएगी। कि जो कीर्तन है उन्होंने कीर्तन किया है, वृंदावन वासी जत वैष्णव रगन प्रथम वंदना करी सवार शरण, सारे वृंदावन के जो संत सबके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। नीलाचल वासी जत महाप्रभु गण, जो नीलाचल में रहते ही महाप्रभु का ही गण है, भूमि ते पढ़िया बंद सवार चरण, नवद्वीप वासी जत महाप्रभु भक्त सवार चरण बंद हया अनुरक्त, जितने संत हुए जितना संत होएंगे जगत में अभी जितने संत हैं सबके चरण में हम प्रणाम करते हैं, जैसे किसकी चरण में हमारी कभी अपराध नहीं बन जाए हैं। कहते अगर मन मन में भी अपराध हो जाता है ना वो भी बड़ा गड़बड़ी है, अगर संतों के चरण में अगर बुरा भाव सोचने लग जाए, जैसे हमारे संप्रदाय में जैसे श्री रूप गोस्वामी एक दिन वो लीला दर्शन कर रहे थे,
बोले क्या लीला दर्शन कर रहे थे? बोले एक दिन राधा रानी जो कुसुमा सरोवर गोवर्धन में गए, इस कुसुमा सरोवर देखे होंगे, वहाँ पर रोज राधा रानी फूल चयन करने के लिए वहाँ आया करती थी। कृष्ण तो छलिया है, एक दिन कृष्ण पहले आ गई और आ करके क्या किया, जैसे किसी पेड़ से फूल चयन करो, अब देखना पास पास का था फूल तो चयन कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो फूल है ना वो हाथ नहीं जाता है। कृष्ण ने किया क्या, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने अपना पैर में वो टहनिया को नीचे दबा दिया। अभी राधा रानी को तो पता नहीं कृष्ण ऊपर बैठे हुए हैं, एकदम घनाघोर पत्ते को अंदर में बैठे हुए, और उन्होंने नीचे को दबा करके रखे। राधा रानी क्या किया, ऐसे हाथ पकड़ करके ऐसे पुष्पों को चयन कर रही थी। जब चयन कर रही थी इतने में जब कृष्ण ने हाथ को छोड़ अपना प्यार को हटा दिया ना, वो जो टहनिया थी ना राधा रानी से पकड़ कर रखी थी, एकदम राधा रानी को ऊपर लेकर चले गई। बोले ये क्या हो गया, ये ऊपर लेकर कैसे चला गया? सब गोपियों ने देखा ऊपर कैसे चला गया, फिर ये ऐसे कैसे अपने आप ऊपर चला जाएगा। देखा वो कृष्ण बैठ कर मुस्कुरा रहे। फिर कृष्ण नीचे उतर करके आए, फिर राधा रानी को पकड़ करके नीचे उन्होंने उतारे। ये लीला को रूप गोस्वामी भजन करते करते ये लीला को दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते ना मन मन में मुस्कुरा रहे थे। एक साधु था जिनका नाम था खंजर कृष्णदास। खंजर कृष्णदास मतलब वो थे लंगड़े लुढ़े। ठीक उसी समय में वो उनको सामने होते हुए जा रहे थे, लुढ़कते लुढ़कते, लंगड़े लुढ़े थे, लुढ़कते लुढ़कते जा रहे थे और ये मन मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उनको क्या लगा, शायद मैं लंगड़ा है और ये मेरे को लंगड़े लुढ़े देख करके ये हंस रहे हैं। बोले इतने बड़े साधु होकर के और मैं लंगड़ा लुढ़ा हूँ, मेरे को देख के हंस रहे हैं ये हैं। अभी इनका मन में बड़ा दुख लग गया। जब दुख लग गया इतने में देखो ये संत अपराध कितना खतरनाक है। तो उन्होंने उनके हृदय में जो ये लीला स्फूर्ति हो रही थी, ये लीला हृदय में, अभी ये लीला खत्म हो गया। जब खत्म हो गया उन्हें छटपटाने लग गए, बोले ये क्या हो गया, मेरे हृदय से लीला कहाँ से अंतर ध्यान हो गए, छटपटाने लगी। फिर उन्होंने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी के पास में गए, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। सनातन गोस्वामी समझ गए, बोले लगता है किसी संत के चरण में तुम्हारी अपराध बन गया है। लेकिन पता कैसे चलेगा, बोले एक काम करो, आज तुम घर में भंडार रखो और सारे संतों को निमंत्रण दो। अभी जो तुम्हारे ऊपर जो चाहे द्वेष नहीं नाराज नहीं वो तो आएंगे ग्रहण करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर नाराज होगा ना वो नहीं आएगा। फिर पता चल जाएगा इनके चरण में तुम्हारी अपराध हो गए। फिर उन्होंने सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। लेकिन जब ये लंगड़े लुढ़े जो खंजर कृष्णदास जब इनके पास में गए, बोले आप इतने बड़े महान व्यक्ति, हम कहाँ लंगड़े लुढ़े व्यक्ति, आपका उत्सव में थोड़ी मैं आ सकता हूँ। वो तो समझ गए यहीं पर कांटा चुभी है। उसी दिन जब मैं लीला स्मरण कर रहा था, यही जा रहे थे और देख करके उसी समय में हंस रहा था लीला दर्शन करते हुए। फिर रूप गोस्वामी फिर उनके चरण में प्रणाम किए, बोले बाबा मैं आपको देख करके हंस नहीं रहा था, मेरी हृदय में राधा रानी की लीला स्फूर्ति हुई। कैसे श्याम सुंदर पेड़ के ऊपर चढ़ करके प्यार से कैसे टहनिया दबा कर रखे थे, और राधा रानी कैसे फूल चयन कर रही थी, और चलते कृष्ण कैसे छोड़ दिया था राधा रानी को, पेड़ उठा कर ले गया, इसको देख करके मैं हंस रहा था, थोड़ी आपको मैं देख रहे हंस रहा था हैं, इसलिए मेरे अपराध को माफ़ कर दो। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने भी इनके ऊपर गलती भावना थी, शायद मेरे को देख करके उन्होंने हंसी उड़ाई। फिर दोनों के चरणों में प्रणाम करके अपना अपराध को माफ़ी मांगे। फिर इनका हृदय शांत हुई, फिर लीला स्फूर्ति हुई। मतलब यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई साधु लोग मानसिक रूप में भी हमारे ऊपर में कोई नाराज हो जाए ना, इसमें भी अपराध बन जाते हैं, इसमें भी अपराध। इसलिए कहते भक्ति जगत में सावधान होकर चलनी चाहिए। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कार्य ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले
अजय चैतन्य सही तारीवे के हेलो, मतलब है भगवान को जितना बड़ा कठिन है, हैं इनको जितना ब्रह्मा शंकर नारद जिनकी पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं इनको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन इनको कैसे जीत सकते हो? बोले अनिंदु कुहैया, जो कभी किसकी बुराई नहीं करता है, कभी किसकी निंदा चुगली नहीं करते हैं। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठता है? गंदा चीज में। मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों में, शहद में, हैं। इसलिए हमें मक्खी नहीं होकर के क्या होनी चाहिए? मधुमक्खी होनी चाहिए, हैं। मधुमक्खी होकर के हाल फूल गोबर बैठ करके वहाँ से हमें केवल शहद लेनी चाहिए। इसलिए कहते कहा ना पर निंदा, किसी को कोई निंदा चर्चा बुराई नहीं करते हैं। कृष्णा कृष्णा बोले हर समय क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भगवान की हर समय ठाकुर जी का नाम लेते हैं, जो भगवान को जितना बड़ा कठिन, लेकिन ऐसे जो अजीत भगवान इनकी प्रेम का अधीन बन जाते हैं, इनके प्रेम की भक्ति की अधीन बन जाते हैं, हैं। इसलिए फिर उन्होंने ये भजन को गाए, जिस मुंह से उन्होंने विष खाए थे, मतलब बुराई निंदा किया था, फिर उसी मुंह से उन्होंने वैष्णव का गुणगान किया। जब गुणगान किया सारे संतों की, सारे अपराध दूर हो गया, फिर इनका हृदय निर्मल हो गया, जो इनका कुष्ठ व्याधि था, कूढ़ था, वो कूढ़ अपने आप सही हो गया, फिर अच्छे हो गए, हैं। इसलिए ये भजन है, इसलिए हमारे मंदिर में रोज़ रोज़ ये भजन को गाते हैं। अगर किसी साधु की चरण में हमारे कहीं अगर अनजान में अपराध हो गया होगा, हैं, ये भजन को गाने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना हे दयालु जगत सारे, पतित पावन है तू तब अवतार, वसम पतित प्रभु प्रेमानंद सोखी।
अष्टक गाते हो? कौन सा कौन सा अष्टक गाते हो? बोलो। हाँ, राधा कृपा कटाक्ष और नित्यानंद प्रभु अष्टक बोलो। हाँ, कल गया था और परसों क्या गया था? आप लोग सब पुस्तकें लेकर गए हैं, जगन्नाथ जी का अष्टक गा लेते हैं। ये जो महीना है, ये महीना श्री पुरुषोत्तम महीना है और पुरुषोत्तम महीना का जो अधिष्ठात्री देव श्री जगन्नाथ जी हैं, इसलिए इसी महीना में आप लोग अपना अपना छोटे छोटे ग्रंथ ले आए हैं, ग्रंथ लाए हो। हाँ, सब हिसाब सब देख देख कर गाओ। हाँ, तो आप फोन से निकाल दो। कदाचित कालिंदी तट बिपिना संगीत तरोल मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणी सार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ धामी भाव तुम्हें कुज सत वेणु सदा श्रीमद्वृंदावन वसती परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन बसदामी भाव तुम्हें महापद तेरे मन करु तेरे मिलतिकारे वसन प्रसादांत सहजबलाभा सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर देवावसर जगन्नाथ स्वामी नयन बसगामी भावत कृपा पारावार सजल दल श्रेणीर रमा वाणी राम सुरदमल जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी देव पटल श्रुति प्रादुर्भाव प्रतिपद मोपाकन्न सदय दया सिंधुर्बन्धो सकल जगता सिंधु सुधया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें परम ब्रह्म पीर उबलय दल भोलन निवासी नीलाद्री चरण अनंत रसानंदी राधा सरस बपूरा खेल सुख जगन्नाथ स्वामी कनक माही कवि भव नच जज सकल जन काम्यं पर सदा काले काले प्रमत पतिना गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ
अष्टक है खड़ग गोस्वामी का, निकाल दो उसमें। कृष्ण कीर्तन गायन नर्तन परो प्रेमामृता नाम गान नति भी आया
अमिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा कही ससेह कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी पिता न मंडपस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्री कोमल बराबर स्फुर करे प्रभूत संपदाल सदा करी ससीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुव सभी भ्रम सत भ्रम त्रिदंत बाण पातने निरंतरम वसीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम करीब सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त को तिशारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचय चकोर सावलोचने सदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम मधोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष अवधीर धीरार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सूतन प्रशस्त मंद चतुर्ण पूर्ण चौक्य सागरे कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष मृणाल बाल वल्लरी पिता न मंडपस्थिते कागलास नील लोचना बलोकन ललल्लु लन्मिलन मनो मुग्ध मोहनाशिते कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेक कंभु कंठते त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीर्घ सलोल नील कुंतल प्रसूर्ण गोच दुंकिते कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंबलंबमा पुष्पमेकलागुणे प्रशस्तरत्न दीप्तिनि कलापमाज मंजुले करेन्द्र सुंद दंडिका बरोसौव गौरुके कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुराय बस्तल समाज राज हंस बसनी पनाति गौरव विलोर हेम वल्लरी विटंबि चातु चक्रमे कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद दर्शिते ही मादृजा पुलोम जा विरिंचि जा प्रस अपार सिद्धि सिद्धिजित तत्पदा गुलीन के कदा करी ससी
श्री रमा कृपा तथा चवायना महेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी आदिपे नमस्ते इति माद्भूता सवम निशाम्न भानुनन्दिनी करोतु संत संजन कृपा कटाक्ष भाजन भवेतदैव संचितं त्रिरूप कर्म नाशनं भवेतदा वयन्द सुरमण्डल प्रवेशन तदा करि ससीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम सुचारु वक्रमण्डलम सुकर्णरत्न कुण्डलम सुचार्चिताम्ब चन्दनम नमामि नन्दनन्दनम सुदीघ्र नेत्र पङ्कजम शिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनम् नमामि नन्दनम् सुनासिकाग्रमौद्धितम् स्वच्छन्ददन्तपङ्कितम् नवाम्बुगाम्बदीपनम् नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितम् गतीकरीन्द्रदञ्जितम् नृकूलपीतशोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेयम् सुन्दरम् नखदुतीसु अमूलरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धाङ्गसौरव विराजितौस्तुवं सुराश्रीवास्तलाञ्चनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनासुनागरं विलासनोगवासं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकम् सदा सुखप्रदायकं जगन्मनो कलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेजश्रदयानितं करेद्भवाद्भिदुष्करं लभे सदा त्रिजोमकं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्द जय राधे जय जय माधव जय जय Bye.
कितना बजे जाते हो? 7 बजे चले जाते हो या 6:30 बजे? हाँ ठीक, और 5 मिनट की कथा सुनो रोज रोज चैतन्य महाप्रभु का कुछ कुछ कथा सुन लेंगे, ठीक है? तभी कौन पाठ कर दिल किसी पाठ करते थे सकाल किसी और दिला हाँ ऊपर बेड़ा होते ऊपर भी होने दिला। शाम को भी आओगे सर? हाँ शाम को भी आना, वही 5 मिनट सुन लो, ठीक है? महाप्रभु का 10-10-15 मिनट कथा सुन लेंगे, ठीक है? भले श्री सचिनंदन गौर हरि की, भले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथाविघ्न प्रणाम करता हूँ। देखो ये जो महीना है श्री पुरुषोत्तम महीना है, ये महीना का सबसे ज़्यादा महत्व इसी महीना का, जैसे कार्तिक महीना को सारे महीना में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो उसकी अधिष्ठात्री देवी ये श्रीमती राधा रानी। लेकिन ये कहते तो उसी से भी ये जो महीना है उससे ज़्यादा महत्व उसी महीना है, और ये महीना 3 साल में एक बार ये महीना आता है। कहते तो इसी महीना में अगर एक कोई भक्ति करे, एक माला करे, एक अंग भक्ति करे, उसको 1000 गुण भक्ति करने का फल मिलता है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, कितने परिक्रमा, कितने कथा, कितने सत्संग, कितने होता है इसी महीना में। हर साल तो इसी महीना में मैं 2-2 भागवत एक एक दिन में करता था, सवेरे एक करता था और शाम को एक करता था, इतनी कथा होती थी। लेकिन ये कोरोना की वजह से हैं ये सब बंद हो गया, कोरोना की वजह से ऐसा बंद हो गया है। तब भी हमने अभी कथा करके एक घर में कथा करके आया है, इसलिए ये महीना का सबसे ज़्यादा महीना। और इसी महीना में पुरुषोत्तम महीना, अगर कोई श्री पुरुषोत्तम देव का कथा सुने फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं। और विशेष करके बताया इसी महीना में जो भागवत कथा है ना, इसका सबसे ज़्यादा महत्व इस महीना में ये भागवत कथा की सबसे ज़्यादा महिमा बताई गई है। इसलिए अभी हम बात करेंगे बैठी करके, देखेंगे होगा तो लास्ट में पुरुषोत्तम महीना में कथा होगा तो हो जाए करेंगे। इसलिए कहते इसी महीना में पुरुषोत्तम देव कौन है? श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ पुरुषोत्तम देव है, इसलिए इनकी कथा सुनने का सबसे ज़्यादा महत्व। इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा सुन लेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके कहते ये एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात् देकात्मना भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कहते इसी श्लोक में कहते श्री स्वरूप दामोदर
बोले स्वरूप दामोदर कौन है, कहते ये श्री ललिता सखी, ये श्री ललिता। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति। श्रद्धा है इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हो, अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप लोग यहाँ पर आते क्या, यहाँ पर नहीं आते। अरे भाव है अंतिम अवस्था यही प्रेम ही, फिर राबड़ी बनकर ना पेड़ा बन जाता है। जब राबड़ी बनकर पेड़ा बन जाता है, पेड़ा खाए कि नहीं, कैसे लगता है पेड़ा, अच्छा लगता है। इसलिए राधा रानी कौन है, कहते राधा रानी ये स्वयं श्री पेड़ा बन गई, प्रेम की पूरा पेड़ा बन गई। इसलिए मतलब प्रेम की जो घनीभूत अवस्था है ये श्रीमती राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की, अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए बोले राधा रानी कौन है, बोले कृष्ण प्रेम ही ये श्रीमती राधा रानी। प्रणय विकृति इसलिए कहते शक्ति शक्ति मत और अभेद, कहते कृष्ण और राधा ये कोई अलग नहीं, वो एक ही है। ये अनादिकाल से कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बसो, जो राधा रानी वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा रानी। कहते ये दोनों अनादिकाल से एक होते हुए भी अलग है और अलग होते हुए भी वो एक है, हैं। इसलिए जैसे उदाहरण दिया, आप लोग दिया जलाते हो कभी कभी, देखना ना एक दिया होता है बीच में तेल रहता है, लेकिन दो बत्ती दो तरफ में रहती है, दो बत्ती दो तरफ में जलती है। उसी तरह जैसे तेल एक जगह पर, दो बत्ती जैसे दो तरफ से दो बत्ती जल रही है, ये कौन है, राधा कृष्ण। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक जड़ और उससे दो कमल फूल, ऐसे दो कमल फूल जो निकली है, एक राधा और एक श्री कृष्ण। इसलिए वो अनादिकाल से एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी वो एक हैं, लेकिन होते हुए भी अभी कृष्ण ने क्या किया, बोले राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए कृष्ण जब ये गोलोक वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए, अपना नित्य धाम में चले गए। एक दिन कृष्ण गोलोक वृंदावन में कुंज में बैठ कर के सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छा को तो हमें पूरी कर लिया, लेकिन तीन चीज मेरे समझ में नहीं आया। बोले क्या चीज है, बोले राधा रानी का जो प्रेम की जो महिमा, ये चीज़ को मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि राधा रानी मेरी गोद में बैठी रहती हैं, हाँ, जैसे प्रेम सरोवर में राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी। एक भौंरा ने राधा रानी की गले में एक कमल फूल का हार था, अभी एक भौंरा ने उसको ऊपर बैठी करके मधु खाने के लिए आए, मधु खाने के लिए आए तो राधा रानी हटाने लगी, लेकिन राधा रानी पद्मिनी, क्या है राधा रानी पद्मिनी, बोले राधा रानी के शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, राधा रानी हटाने लगी तो जाएगा क्या, और ज़्यादा पास में आ रहा है। अभी राधा रानी डर गई, कृष्ण ने मधु मंगल को बोले, बोले ये भौंरा को भगा करके आओ, तो उसने एक लठिया लेकर भगाते भगाते बड़े दूर में भगा करके आ गया। बोले मैंने मधुसूदन को बड़ी दूर में भगा करके आ गया, कृष्ण का नाम भी मधुसूदन, क्योंकि भक्तों का प्रेम मधुओं को जो आस्वादन करते हैं, और मधुसूदन कृष्ण का नाम भी मधुसूदन और मधुमक्खी का नाम भी मधुसूदन, क्यों, हर फूल के ऊपर बैठ करके वो मधुओं को संग्रह करता है। राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई और जब बोले मैं मधुसूदन को इतना दूर भगा करके आ गया और मधुसूदन नहीं आ सकते, देखो राधा रानी का क्या, इसको कहते प्रेम वैचित्रता, वो पास में रहते हुए भी अनुभूति करते जैसे मैं दूर हो गई हैं, पास में रह गोद में बैठी हुई कृष्ण की। राधा रानी सोच रही है मधुसूदन को इतना दूर भगा करके कृष्ण का आ गए और कृष्ण आ ही नहीं सकते और कृष्ण से मैं मिल नहीं सकती हूँ, बस वहीं पर से राधा रानी बेहोश हो जाती है। इसलिए कृष्ण सोचते हैं क्या राधा रानी क्या प्रेम की महिमा क्या है, हैं राधा रानी की। दूसरा है कहते मेरे जो इतना जो सुंदर हूँ, हैं मैं जब अपना रूप को स्वयं देखता हूँ, कहते अपर कलित पूर्वम कष्ट समर्थ कारकारी, कृष्ण स्वयं अपना रूप देकर मुक्त हो जाते हैं। भले ये कौन है अपना परिचाई को, मैं कब राधा रानी बन करके कब इनको आलिंगन करूँ, हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को
राधा रानी आलिंगन करती हैं, इसलिए और राधा रानी कृष्ण प्रेम को जो आस्वादन करती हैं उसमें क्या आनंद है, क्या उसमें आनंद है। कहते ये तीन चीज को आस्वादन करने के लिए कहते कलयुग में कृष्ण स्वयं, भले जब तक राधा जी की भाव को नहीं लो, राधा रानी की अंग कांति नहीं लो, तब तक आस्वादन नहीं कर सकता। क्यों? अगर मेरे कृष्ण रूप होगा ना, मैं तो याद आएगा मैं वही कृष्ण हूँ। अभी मैं भूल जाऊँ मैं कृष्ण, इसलिए बोले अंत कृष्ण बहिर्गौरव, अंदर में तो कृष्ण लेकिन वो बाहर में गौरव रूप धारण करके रखे। इसलिए गौरव रूप धारण करते हुए उन्होंने कलयुग में आए। और दूसरा है, अभी राधा रानी कृष्ण प्रेम में पछाड़ खाती थी, कृष्ण राधा रानी सोच रहे हैं वही कृष्ण जब मेरे प्रेम में पछाड़ खाएंगे। कृष्ण का शरीर कितना कोमल है ना, कृष्ण मक्खन से भी कृष्ण शरीर कोमल। गोपियाँ तो कृष्ण का चरण को अपना बक्ष स्थल में धारण करने के लिए भी डरते हैं, बोले कृष्ण का कितने सुंदर चरण कमल, हमारा बक्ष स्थल तो कठोर है, इसलिए ऐसे चरण कमल को कृष्ण कहाँ वृंदावन में कंकड़ जहाँ पर नोकीले नोकीले हैं, कंकड़ है जहाँ पर कांटा है, कृष्ण का शरीर को चरणों को कितना कष्ट नहीं होगा। इसलिए और इसलिए यहाँ पर राधा रानी क्या की, कृष्ण को आलिंगन करके रखी। जब कृष्ण पछाड़ खाएंगे कष्ट होगा तो किसको कष्ट होगा, मुझको लगेगा, मेरे प्रियतम कृष्ण को कष्ट नहीं हो। इसलिए कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंदन श्री गौर हरि बन करके कलयुग में आए। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, हिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे। कल कल सुनेंगे ठीक है, अब लोगों को घर में जा करके हर घर का काम काज करना पड़ता होगा, हाँ इसलिए कल कोशिश करेंगे कीर्तन जल्दी करके फिर कथा थोड़ी सी ज़्यादा से मिलेंगे ठीक है। रोज़ चैतन्य महाप्रभु का कुछ कथा सुनेंगे और सब कथा भी याद करना ठीक है ना, सारे महाप्रभु कौन है, क्योंकि हमारे जो संप्रदाय है ना ये ब्रह्मवाद्य गौड़ीय संप्रदाय, हम श्री चैतन्य महाप्रभु का धारा में आए, इसलिए उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरत है ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जय श्री श्री गुरु वरांगधर विकास गुरुधर राधा गुरुंद गोपनाथ मदन मन की जय नित लीला प्रभुशल भक्ति श्री रूप चंद्र जी गोस्वामी महाराज की जय नित लीला प्रभुशल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय नित लीला प्रभुशल भक्ति वेदांत भामिनी गोस्वामी महाराज की जय नित लीला प्रभुशल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।